शांति ओम शांति। आज आपको मैं एक कर्मों में और भी थोड़ा डेप्थ का नॉलेज आपको दे रही है। मनुष्य के कर्मों में कैसे स्टेजेस आता है आपको बता देता हूं। पहला होता है भाव कर्म, भाव कर्म कर्मास। पहला स्टेज होता है भाव कर्म। अगर आपने इस जन्म में कितने भी भाव किया होगा, जब से आप आत्मा गर्भ से आकर के दूसरा शरीर लिया, तब से आपने कितने भी कर्म का बीज बोया होगा, वो सब भी भाव कर्म में है। उसको अगर आप बदलना चाहे तो बदल सकता है, वो भाव कर्म का स्टेज में है। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी पुरुषार्थ नहीं किया, उस भाव को परिवर्तन करने का भी कभी सोचा नहीं, अपने को ही ठीक समझता था, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़ दिया, तो पिछले किए हुए जन्मों का सब कर्म का बीज दूसरा रूप ले लेते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य कर्म। कौन सा कर्म? भाव कर्म का स्टेज क्या हो जाता है? भाव कर्म का स्टेज क्या हो जाता है? द्रव्य कर्म। कब द्रव्य बनता है? इस जन्म में मैंने बहुतों के संबंध संपर्क में आता रहा, बहुतों के प्रति मेरा भावनाएं बहुत तरह से क्रिएट करता रहा, मैं कभी भी अपने गलती को महसूस नहीं किया, मैंने कभी भी अपने भाव को चेंज नहीं किया। तो इसका नतीजा क्या होता है? जब आत्मा शरीर छोड़ दिया, जो जो भाव का बीज डाला है वो दूसरा रूप ले लेते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य का मतलब जो कर्म आपने पिछले जन्म में बीज के रूप में उसको डाला है, वो सब फल देने के लिए क्यों में खड़े होता है। इट इज रेडी टू गिव द रिजल्ट। जैसे आप एक जगह से, एक सुंदर सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपके टैप में पानी आता रहा है, पानी आता रहा है, कहां से पानी आ रहा है? टैंक में। टैंक में जो जमा है वो सब भाव कर्म। आपको जो पानी बाहर देखने में आ रहा है वो सभी भी कर्म का फल में आ जाता है। वो स्टेज भी बता देता हूं, फिर एक क्लियर करता हूं। जो कर्म हमको देखने में आ गया, अनुभव में आ गया, उसको कहते नो कर्मा। नो कर्मा मतलब जीरो कर्मा, मना एक कर्म जो देखने में आया है वो कर्म चुप्त होने के लिए आता है। इट इज जीरो कर्मा, जो देखने में नजर में आ रहा है। जैसे टैंक में जमा है वो पानी क्या है? भाव कर्म। जो टैप में आपको देखने में, नली में देखने में आता है वो सब क्या है? नो कर्म, जीरो कर्म। जो बीच में पानी पाइप के द्वारा आ रहा है ना, अभी क्यों में है वो आने के लिए, वो सब क्या है? फ्लो। उसको कहते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म जो कर्म फल देने के लिए क्यों में खड़े हैं वो सब द्रव्य कर्म। जो कर्म हमको देखने में आया है वो सब क्या है? जीरो कर्म, मना फल देने के लिए आया है। समझो, आपको किसी ने गाली दिया, वो जो गाली दिया आपको देखने में आता है नहीं आता है, तो वो कौन सा कर्म है? जीरो कर्म। वो कर्म क्या देकर के जाने के लिए आया है? चुप्त होने के लिए आया है। ओके, ये व्यक्ति हमको अभी ऐसा वर्तन कर रहे हैं, उसका व्यवहार से हमको कुछ मिल रहा है, तो इसके मतलब है पिछले भाव में, भाव मतलब पिछले जन्म में हमने इस कर्म आने के लिए कुछ बीज बो के आ गया है, अभी वो फल आ रहा है। ये दोनों भी सही है, लेकिन
वो जब कर्म का फल हमारे सामने आता है तब हमने कुछ भी तोड़ा भी भाव को बिगड़ा तो क्या हो जाता है, ये जीरो करना फिर भाव कर्म में टाइप हो जाता है। मुझको किसी ने आकर के गाली दिया, अभी मुझे जागृत आ गया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ये तो मेरा पड़ोसी मंजुनाथ को बोल रहा है, मैं इससे अलग हूं, मेरा गुणधर्म अलग है और इस प्रकृति मंजुनाथ का गुणधर्म अलग है, मैं अपने को अलग कर दिया तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि मैं कौन सा भाव में आ गया, आत्म भाव में आ गया। जैसे दुनिया में भी हिसाब होता है, करोड़ों रुपयों का हिसाब, उसी के साथ कुछ कैलकुलेशन, एक के साथ आप एक 10 0 0 0 लगाओ और उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही जब किसी का कर्म का फल मेरे पास आता है, मेरा पिछले कर्म का फल मेरे पास आता है, मैं आत्मा में आ गया, मतलब 0 से कनेक्टेड हो गया, 0 से कनेक्ट हो गया मतलब मेरा कर्म का फल क्या होता है, 0 हो जाता है, इसीलिए इसको 0 कर्म बोलते हैं। अगर वो 0 होते वक्त मेरा थोड़ा भी जो व्यक्ति निमित्त बना, मेरा कर्म का अकाउंट को क्लियर करने के लिए निमित्त बना, उसको दोषी देगा तो फिर मेरा कर्म भाव कर्म हो जाता है। समझ में आ रहे हैं आपको? एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, आप सबको लड्डू मालूम है ना, लड्डू क्या बोलते हैं, लड्डू ही बोलते हैं, तो घूमता रहता है, आपको लड्डू देखने में आता है घूम रहा है, लेकिन उसके पीछे रस्सी आपको मालूम है, विदाउट द हेल्प ऑफ रस्सी वो लड्डू घूम सकते हैं क्या, घूम सकते हैं, लड्डू देखने में घूम रहा है लेकिन इसका पीछे क्या है, कभी ना कभी किसका सहयोग मिला होगा, रस्सी का सहयोग, रस्सी अभी देखने में नहीं आ रहे, लट्टू क्या समझता है, मैं घूम रहा हूं, लेकिन लट्टू के पीछे क्या है, रस्सी का सहयोग। ऐसे ही कर्म का फल आपको देखने में आ रहा है वो लट्टू की तरह है, इसके पीछे सहयोग कहां कनेक्ट हुआ, रस्सी कहां कनेक्ट हुआ, पिछले जन्म में हमने बोया हुआ भाव का बीज, कौन सा बीज, भाव का बीज। समझ में आया, जब तक हम भावनाओं के ऊपर काम नहीं करते तब तक हम कर्मों से चुप नहीं पा सकते। मुरली जो आप हर रोज सुनते हैं उसमें बाबा क्या कर रहे हैं, एक बार बहुत सूक्ष्म रूप से देखो, हमारा भाव को परिवर्तन भी कर रहे हैं और कुछ नहीं। हर रोज मुरली में वरदान में भाव 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 आता है ना, क्या है वो भाव, वो भाव का मतलब हमारा फ्यूचर, हमारा डेस्टिनी, हमारा फ्यूचर अच्छा होना है तो हमको क्या बदलना है, भाव को बदलना है, अभिप्राय को बदलना है, इंटेंशन को बदलना है।